वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इनसाइड माई बैग। सो दिस इज माई बैग विच आई एम कैरिंग दीज डेज। ये वाला बैग मैं अभी फिलहाल कैरी कर रही हूँ। पहले यू नो एक डेढ़ साल पहले तक मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं एक बैग कंटिन्यूस कैरी नहीं करती थी। मैं कैरी करती थी कभी दूसरा बैग, कभी दूसरा बैग, कभी तीसरा बैग, कभी चौथा बैग, ऐसा वाला कैरी करती थी। बट फ्रॉम लास्ट वन ईयर मुझे मेरे थिंकिंग बोलो या क्या बोलो, मेरे अंदर सडन चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं दैट आई लाइक टू कैरी ओनली वन स्मार्ट बैग, जो कि 6-7 months तक मैं उसको कैरी करती हूँ आराम से। 7-8 months तक, जब तक मैं उससे बोर ना हो जाऊँ तब तक मैं उसको चेंज नहीं करती हूँ, या जब तक उसकी चीज़ें खराब ना हो जाए या मैंने बहुत रगड़ दिया है उसको तब तक वो खराब ना हो जाए तब तक मैं उसको यूज़ करती हूँ तभी चेंज करती हूँ। मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है आपके पास सिर्फ 4 या 5 बैग्स इज इनफ। आप एक पार्टी वेयर बैग रख लो, एक आप ट्रेडिशनल वेयर में पहनने वाला बैग रख लो, एक आप थोड़ा बड़ा सा बिग बैग रख दो, एक स्लिंग बैग रख लो और एक मीडियम साइज का बैग रख लो जो सबके साथ चला जाए, दैट्स इट। अननेसेसरी बहुत सारे बैग्स रखने का कोई सेंस समझ में नहीं आता है अब मुझे। पहले मैं थी ऐसे कि बहुत सारे बैग्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, हर ड्रेस के लिए अलग अलग, हर कलर में बैग होना चाहिए। बट अभी यू नो अभी करेंटली आई एम यूजिंग दिस बैग। दिस इज अ परफेक्ट साइज, मुझे ये एकदम परफेक्ट साइज का लगता है। ये स्लिंग बैग भी है और ये हैंड बैग भी, आप इसको यूज कर सकते हो। ये एकदम मीडियम साइज का है तो ये इसका बेल्ट है इफ इन एनी केस यू वॉन्ट टू यूज इट एज अ स्लिंग बैग। एंड मैं यूजली इसको कैरी करती हूँ इस तरह से, अगर मुझे टांगना होता है तो मैं ऐसे टांग लेती हूँ। मुझे आजकल शॉर्ट बैग ज्यादा स्मार्ट लगने लगे हैं एज कम्पेयर टू स्लिंग बैग्स, और ये काफ़ी स्पेशियस है। मैं जनरली मार्केट जाती हूँ, मैं इवन भोपाल गई थी तब भी मैं इसी को लेके गई थी, कहीं पे भी जा रही हूँ मैं अभी लास्ट 2 months से मैं इसी को कैरी कर रही हूँ। एंड इसमें सब कुछ सारा सामान मेरा आ जाता है। सो येस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द थिंग। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है बट हाँ मेरे काम की सारी चीज़ें इसके अंदर है। काफ़ी सारे लोगों ने भोपाल वाले ब्लॉग में इस बैग के बारे में पूछा था कि मैंने कहाँ से परचेस किया है। ये बेसिकली केप्रेसी का है और ये वाला बैग मैंने परचेस किया था सेप्टेम्बर या अक्टूबर में, लिया था 2019 के। एंड मैंने इसको निकाला है दिसंबर या जनवरी से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये बैग मुझे एक नज़र में, जैसे ही मैंने इसको केप्रेसी के स्टोर पे देखा था, मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था। एंड जब मैंने इसको लिया था तब ये ऑन प्राइस था, 3999 का था। लेकिन अभी जब मैं थोड़े टाइम पहले मॉल गई थी, 1.5 महीना पहले जब सेल चल रहा था, तब ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे था। इसके अंदर 30% डिस्काउंट था तो आई थिंक उसका प्राइस काफ़ी कम हो गया था। एंड इसमें दो कलर थे, एक तो ये ब्लू था और एक टैन टाइप का कलर था, बट मुझे ब्लू कलर काफ़ी स्मार्ट लग रहा था तो मैंने ये परचेस किया। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्पेस से। इसमें एक फर्स्ट यहाँ पर फ्रंट में जिप है, एक यहाँ पर मिडिल में जिप दिया हुआ है और एक यहाँ पर बैक साइड में जिप दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो फ्रंट वाले जिप से। तो इस वाले जिप में मैं यूजुअली अपने जो ग्लासेस हैं वो रखती हूँ, और मेरे जो ग्लासेस हैं वो मैं इस तरह के पाउच में रखती हूँ। ये जो पाउच है दिस इज़ बाय मसाबा, लिपस्टिक्स मसाबा की जब लिया था तब ये पाउच आया था। और इसमें मेरे दो शेप्स रखे हुए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एंड दे बोथ आर फ्रॉम H&M। और जब भी मैं इनको कैरी करती हूँ मेरे पास हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि आपने ये शेप्स कहाँ से परचेस किया है। ये तो मतलब हर तरह के फेस शेप में बहुत परफेक्ट लगता है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट शेप जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है, तो ये है ब्लैक वाला। एंड दूसरा एक और है, मूवी मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत ही प्रिटी सा रोज़ गोल्ड सा कलर है एंड ब्राउन है, ब्राउन कलर का है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो दिस इज़ माई सेकेंड शेड जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है ये भी। तो ये थे मेरे दोनों शेड्स और ये दोनों ही इसके अंदर बहुत आराम से आ जाते हैं। तो जो इनके जो केसेस होते हैं मैं उसमें नहीं रखती हूँ, ताकि अदरवाइज़ वो यू नो एक तो इतना बड़ा सा मोटा सा होता है और वो बहुत जगह लेता है, तो ये इसमें आराम से ऐसे आ जाता है और ये जो मेरा फ्रंट वाला सेक्शन है यहाँ पर आ जाता है। ओके, उसके बाद एक छोटा सा सैनिटाइज़र है, ये मुझे आई थिंक विक्की के भैया हैं, वो बाहर से आए थे US से, तब भी लेकर के आए थे, ये वो वाला सैनिटाइज़र है। और उसके बाद वो पैड्स हैं जो कि मैं फ्रंट वाले जिप में ही रखती हूँ। नाउ कमिंग टू द बैक जिप, इसमें आते हैं तो यहाँ पर एक लिप बाम है, देन एक पेन है, उसके बाद एक होम्योपैथी दवाई है, एक बैंडेज है और एक ये रबर बैंड है, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द सेंटर वाला जिप, उसके बाद यहाँ पर मेरे एयरपॉड्स हैं। अगर मैं पब्लिक प्लेसेस में जाती हूँ तो ये ऑब्वियसली मैं इनको यहाँ पर हैंग नहीं करती हूँ, ये यूजुअली मैं अंदर रख लेती हूँ। ये सिर्फ जैसे अभी मैं लंबा ट्रैवल करा था घर के लिए और कार से किया था या कार से कहीं जाना होता है तो ही मैं इसको इसमें लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑब्वियसली इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते यहाँ पर हैंग करने की, पता चल रहा है कोई खींच के ले गया।
तो सबसे फर्स्ट जो ये है मेरा सामान, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो आती है ये वाटर बॉटल। आई नो दिस इज प्लास्टिक वाटर बॉटल, बट मुझे कोई भी स्टील की बॉटल या फिर आप बोलो ग्लास की इतनी छोटी बॉटल मुझे नहीं मिली है जो मेरे बैग में फिट हो जाए, इसलिए मैं ये छोटा सा बॉटल कैरी करती हूँ और अपना ही बॉटल कैरी करती हूँ मॉल वॉल जाने के लिए। मैं कभी भी बॉटल, रेयरेस्ट ही रेयरेस्ट कंडीशन होती है कि मैं बॉटल परचेस करती हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ अपनी बॉटल लेके चलने का। खाली है क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहीं नहीं गई हूँ और यस ये बॉटल बिल्कुल परफेक्टली मेरे बैग के अंदर आ जाती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली माई फोन्स। तो दो फोन्स हैं इसमें जनरली, ये मेरा पर्सनल फ़ोन है और ये मैं नंबर, जो भी मुझसे नंबर मांगता है या कंपनीज वाले लोग, उन लोगों को मैं ये वाला नंबर देती हूँ। उसके बाद आते हैं ये छोटा सा प्लानर है जो कि बाय अलीसा सूजा है, 2020 का प्लानर। मुझे कोई ऐसी चीज़ जिसमें नोट डाउन करनी है तो मैं नोट डाउन कर सकूँ, इसके लिए ये वाला प्लानर रखा हुआ है, क्योंकि बड़ा प्लानर इसमें नहीं आता है। बड़ा प्लानर मैं सिर्फ घर पे यूज़ करती हूँ। देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ये है मेरा वॉलेट, दिस इज़ बाय फॉसिल। एंड ये काफ़ी सारे लोग, जब जब मैंने आई थिंक ये वॉलेट शो किया, मुझे सब पूछते हैं कि आपने कहाँ से परचेस किया है, तो ये मैंने फॉसिल से परचेस किया था एंड इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर से हो गया है। एंड अमेजिंग वॉलेट, यहाँ पर आप सारे कॉइन्स एंड अपने कैश रख सकते हो। उसके बाद ये मेरे घर की कीज है और यहाँ पर आप अपने सारे यू नो कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड कैरी नहीं करती हूँ और मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास डेबिट कार्ड और जो मेरा लाइसेंस वगैरह वो है। एंड ये है, दिस इज़ माई वर्ल्ड, माई मॉम डैड एंड मिकी की फ़ोटो मैं हमेशा अपने वॉलेट में लगाती हूँ। तो ये है मेरा वॉलेट जिसको मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्राईपॉड। ऑब्वियसली यू नो दैट कहीं पर भी, कहीं पे भी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो सकती है, कभी भी आपका मन कर सकता है ब्लॉग करने का। तो ये छोटू वाला जो ट्राईपॉड है ये मैं अपने बैग में रखती हूँ और ये मेरे इस बैग में एकदम परफेक्टली आ जाता है। नेक्स्ट है अगेन सैनिटाइज़र। तो ये जो सैनिटाइज़र है इसमें एक बहुत अच्छा सा ऐसा हुक दिया हुआ है ताकि आप इसको यहाँ पर हैंग कर सकते हो, कहीं पर भी बाहर ही आप इसको हैंग कर लो। तो अभी आई डोंट नो मैंने इसको अंदर क्यों रख के रखा, क्योंकि अभी सैनिटाइज़र भी यू नो एक सोना चांदी टाइप से हो चुका है, मिलते नहीं है ऐसे वाले हिमालय देन डेटॉल, इन सब के सैनिटाइजर्स तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी पता नहीं मैंने अंदर ही रख के रखा, आई डोंट नो व्हाई। देन आई हैव वन कॉम्ब ऑब्वियसली। देन उसके बाद एक पॉकेट परफ्यूम है जो कि इंगेज का है, मुझे ये परफ्यूम्स बहुत पसंद है, इंगेज वाले जो छोटे छोटे परफ्यूम्स आते हैं। एक तो ये जगह नहीं लेते हैं, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत, इन जनरल इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, 60-70 रुपीज़ के आते हैं, आपको टचअप करने के लिए परफेक्ट है। फिर आते हैं मेकअप का सामान। तो मैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने पूरे पूरे पाउच कैरी करते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली यू नो काम की भी जगह पे जाती हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ जा करके मैं मेकअप तो नहीं लगाऊंगी। तो जो बेसिक बिल्कुल नेसेसिटी प्रैक्टिकल जो चीज़ें मेरे को लगती है जो मैं लगाती हूँ वही चीज़ें, और मैं जनरली कहाँ जाती हूँ, मॉल्स जाती हूँ या अगर कहीं काम से भी गई हूँ या किसी फ्रेंड के घर भी गई हूँ, तो आई थिंक उन सब जगहों के लिए मेरे को लगता है ये चीज़ें परफेक्ट हैं जो मेरे पास हैं। एक तो ये रोल ऑन परफ्यूम है, दिस इज़ बाय ज़ारा, फेम कुछ लोग इसको कुछ और प्रोनाउंस करते होंगे, आई एम नॉट श्योर। तो ये वाला रोल ऑन है। के बाद आई हैव दिस कॉम्पैक्ट फॉर श्योर, ये है मैक का 40 NC 40, ये रखती हूँ फॉर टचअप्स। और उसके बाद मैं, ये है एल ए गर्ल का प्रो कंसीलर, HD डिफाइन कंसीलर, तो ये कंसीलर। देन उसके बाद ये कॉम्पैक्ट एंड देन दीज टू, दिस इज़ बाय मैक स्टे क्यूरियस एंड ये है नायका का मैटलिशियस जेड रोज़ एंड ये वाला स्टे क्यूरियस, ये दोनों मेरे परफेक्ट फेवरेट न्यूड्स हैं। तो मैं ये वाला सिर्फ कैरी करती हूँ, कोई रेड्स नहीं, कोई पिंक्स नहीं, कुछ नहीं, जितना कम से कम जो एक्चुअली में नेसेसिटी वाला सामान होता है वो, मतलब अगर मैं लिपस्टिक लगा लूँ, कॉम्पैक्ट लगा लूँ, मेरा फेस ऑलरेडी काफ़ी ठीक लगने लगता है। एकदम नेसेसिटी नहीं है मुझे कि मैं अपना आईब्रोज करूँ, देन मैं अपनी आईज करूँ, मैं बेयर आईज बेयर आईब्रोज भी रह सकती हूँ, सामान मैं कैरी करती हूँ। एंड दैट्स इट, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। मुझे जनरली व्हाट्स इनसाइड माय बैग वीडियोस देखना बहुत पसंद है, मैं आज से 2 साल पहले भी बहुत देखती थी, मैं अभी भी बहुत देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो बट आई फील लाइक वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आता है मुझे दूसरों के बैग्स देखने में। सो आई थॉट कि वाला वीडियो बनाना चाहिए। सो यस, दिस इज इट व्हाट्स इनसाइड माय बैग एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आप मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टाइप के वीडियोस और सजेशंस हो कि आप किस तरह से देखना चाहते हो इस क्वारंटाइन लॉकडाउन पीरियड में। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो बी सेफ, स्टे एट होम, टिल देन बाय।